Meri tărtite, pervin apana! Send paratroopers. I repeat, send paratroopers. अगर अभी तक आपने फौजी गेम को डाउनलोड नहीं किया है तो मैंने लिंक दे रखी है डिस्क्रिप्शन के अंदर। अब बहुत लोगों के मन में ये सवाल है कि फ्री फायर और पबजी जैसा ही ये फौजी गेम या फिर इसमें कुछ सो ये गेम कैसा है और क्या ये पबजी और फ्री फायर को टक्कर दे पाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम कंपेयर करेंगे गेम की सारी चीज़ों को, जैसे कि UI, ग्राफिक्स, कंट्रोल, साउंड, एवरीथिंग, और लास्ट में हमें आपको इसका गेम प्ले भी। सो इन सब चीज़ों से पहले सबसे पहले हमें इसकी कॉन्सेप्ट की बात कर लेनी चाहिए। तो ये गेम जो है वो 460 MB का है, लगभग 500 MB के आसपास का है, और ये गेम अभी Google Play Store के ऊपर अवेलेबल है Android के। सो जैसे ही आप इस गेम को डाउनलोड करते हो और ओपन करते हो तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा विद बैकग्राउंड म्यूजिक। सो आप जैसे ही गेम को ओपन करते हो तो आपके सामने तीन तरह के मोड ओपन हो जाएंगे। कैंपेन मोड, दूसरा होगा टीम डेथ मैच, और तीसरा जो है वो है फ्री फॉर ऑल। सो जैसे ही आप कैंपेन मोड को ऑन करोगे ये आपको गलवान घाटी के बारे में सब कुछ हिंदी के अंदर बताने लग जाएगा। तो आइए देखते हैं इसका पूरा प्रीव्यू। 15 जून दोपहर 2 बजे गलवान घाटी, हिमालय की ऊंचाइयों पर भारतीय सीमा का एक सुदूर वीरान इलाका। कॉर्पोरल अहमद, बेस को खबर देते हैं कि फॉरवर्ड पोस्ट से झंडा नदा रहे हैं। सर देखिए वहाँ और भी है। पर्वतों पर उस दिन फौजी कमांडोस अकेले थे। दुश्मन सैनिकों ने गिरते पत्थरों की आग लेकर फौजी यूनिट पर धावा बोल दिया। कमिंग बेस कैंप, स्क्वाड 3 का भारतीय क्षेत्र में घुसपैठियों से सामना हुआ। जैसे ही कैंपेन मोड को स्टार्ट करोगे आपको 4 स्टेजेस मिलेंगे और आपको इन्हीं 4 स्टेजेस को क्लियर करना होगा। और आप जैसे जैसे आगे बढ़ोगे और फाइट करोगे आपका जो लेवल है वो डिफिकल्ट होता जाएगा। तो आपको यहाँ पे फाइट हाथों से करना पड़ेगा, आपको कोई भी गन्स प्रोवाइड नहीं करवाई जाएगी। और से एक बात है कैंपेन मोड में कि इसके अंदर आपको वेपन्स नहीं मिलेंगे, यानी कि गन्स नहीं मिलेगी। वेपन्स मिलेंगे यानी नाइफ, बैट, ये सब कुछ आपको मिल जाएगा, लेकिन जो गन्स है वो आपको नहीं मिलेगी। और आपकी जैसे ही पावर कम होने लगे तो आपको बॉन्ड फायर के पास जाके अपनी पावर जो है वो वापस ग्रोथ करानी है। यही इस पूरे गेम का कॉन्सेप्ट है। चलिए अब हम इसे पबजी और फ्री फायर के साथ कंपेयर करते हैं और देखते हैं कि कौन ज्यादा बेटर है। सबसे पहले हम कंपेयर करेंगे UI से, यानी कि यूजर इंटरफेस। फौजी गेम का जो UI है, अगर इसे मैं कंपेयर करता हूँ फ्री फायर से या पबजी से,
तो जो फौजी गेम का यूआई है वो बहुत ही सिंपल है और इजी टू अंडरस्टैंड है। नेक्स्ट ग्राफिक्स। अगर हम तीनों गेम के ग्राफिक्स को कंपेयर करें तो देखो मैं कहूँगा कि मुझे पर्सनली फौजी गेम का ग्राफिक्स बहुत पसंद आया। फ्री फायर और पबजी का तो ग्राफिक्स बढ़िया है ही, लेकिन मुझे फौजी गेम का भी जो ग्राफिक्स है वो बहुत बढ़िया लगा, जो कि रियलिस्टिक नहीं है, लेकिन हाँ आप फौजी गेम की सेटिंग में जाके ग्राफिक्स है उसे इंक्रीज कर सकते हो बाकी गेम्स की तरह। नेक्स्ट है साउंड। और साउंड के मामले में मैं कहूँगा कि फौजी ने सही में बहुत ही बढ़िया काम किया है। जो बैकग्राउंड साउंड है वो भी बहुत बढ़िया है। हाँ पबजी और फ्री फायर के जैसा साउंड नहीं है, यहाँ पर आपको थोड़े से डिफरेंट साउंड देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं कंट्रोल्स की। तो यहाँ कंट्रोल्स के अंदर आपको बहुत ज्यादा डिफरेंस देखने को मिल जाएगा फौजी गेम और पबजी और फ्री फायर के अंदर। कंट्रोल्स के मामले में मैं कहूँगा कि फौजी गेम थोड़ा सा पीछे रह गया। पबजी और फ्री फायर गेम में आपको जंप क्राउच के बटन मिल जाते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली फौजी गेम के अंदर आपको ये बटन्स नहीं मिलते, सिंपल आपको मूविंग के बटन्स मिलते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं वेपन्स की। पबजी और फ्री फायर में आपको पिस्टल्स गन्स ये सब मिल जाते हैं, जबकि फौजी गेम में आपको फाइट करने के लिए हाथों का इस्तेमाल करना पड़ता है, और साथ ही में आपको नाइफ मिल जाता है और बहुत टाइप के आर्सेनल्स मिल जाते हैं जो आप गेम में बीच बीच में यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट कंपेयर करते हैं हम गेम के कॉन्सेप्ट्स को। पबजी और फ्री फायर का कॉन्सेप्ट तो आप में से सभी लोगों को पता होगा, ये एक बैटल रॉयल गेम है जहाँ पर आयरलैंड में सभी को उतरना होता है, गन्स पिक करनी होती है और फाइट लड़नी होती है। तो ये आपको थोड़ा सा रियलिस्टिक फील देता है, इसके अंदर आप अपने फ्रेंड के साथ बात भी कर सकते हैं और आपको ये एक रियलिस्टिक एक्सपीरियंस देता है। बट वहीं पे अगर हम फौजी गेम की बात करते हैं तो ये एक स्टोरी लाइन गेम है, नॉट बैटल रॉयल गेम, जो इसका कॉन्सेप्ट है बड़ा ही सिंपल है। ये मैंने आपको सिखा दिया है, और पबजी फ्री फायर और फौजी को भी मैंने कंपेयर करके आपको डिफरेंसेस बता दिया है कि इन तीनों में क्या क्या डिफरेंसेस है। अब बात करते हैं हमारे लास्ट टॉपिक की, यानी कि गेम प्ले। जी हाँ, गेम प्ले की ओर बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने ये वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से जाकर वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पे अगर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी जरूर दबा दीजिए। तो बढ़ते हैं हमारे गेम प्ले की ओर। मैं करीब पहुंच रहा हूं, वो डर कर भाग रहे हैं। Give up before we make you.